हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। वर्दी पहनने के लिए आप लोग फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, रिटन की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, पूरा ताकत झोंक देते हैं, लेकिन मेडिकल के ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपका वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। और अब आपको बता देता हूँ कि मेडिकल के रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं। री मेडिकल, मेडिकल डिटेल मेडिकल के कंटिन्यूएशन में ही होगा। यहाँ पर आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि यदि आपका कोई पॉइंट है, ऐसा नॉर्मल पॉइंट जो आप ठीक कर सकते थे, आप उससे बच सकते थे, लेकिन आप जानकारी के अभाव में वहाँ पर नेक्स्ट डे भी अनफिट हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी आने वाली जो भर्तियाँ हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको हम आगाह करना चाहेंगे कि आपका मेडिकल आने वाला है तो आप देखिए ये पॉइंट्स जो हैं इनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं। ये देखिए, इनको टैटू था, इन्होंने रिमूव करवा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये फिट हो जाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन्होंने इसको छोटा टैटू था और छोटे टैटू को भी ये कैंडिडेट जो है इन्होंने लेजर ट्रीटमेंट से इसको रिमूव करवा लिया है। दूसरा टैटू देखिए, आपको दिखाते हैं कि ये टैटू जो है इसको भी रिमूव करवाया, लेकिन इसको जलाया गया है, इसको एसिड से जलाया है इसे, तो ये काम नहीं करना है आपने। टैटू यदि आपकी बॉडी पर है, एक बार पैसा आपका खर्च होगा, ज़्यादा चार्जेज आएगा, लेकिन सस्ता काम नहीं करना है, 10 रुपए वाला ट्रीटमेंट नहीं करना है। टैटू को चूने से जलाए, ये समझिए कि आप बहुत बड़ी परेशानी आप खुद अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। एसएससी जीडी में हमने देखा कि इस तरीके के जो कैंडिडेट्स थे वो अनफिट हो गए। किस वजह से अनफिट हो गए? कि ये जो है इनका यहाँ पे पूरी तरीके से जो स्किन जो है वो बर्न हो चुका है, तो ये बर्न मार्क के आधार पे एसएससी जीडी में अनफिट हुए हैं। अब आईटीबीपी मेडिकल में क्या होता है वो देखिए, कैंडिडेट जो है इनका डिपेंड करेगा कि ए मेडिकल ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इनको फिट कर देते हैं, वरना तो ये जो है परेशानी का सबब भी इनके लिए बन सकता है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली इनको हेड में, इनको जन्म से ही है, ये थोड़ा बम जैसा बना हुआ है, तो ऐसा यदि बाई बर्थ है तो यहाँ पर ये फिट हो सकते हैं। और इसमें हम आपको एडवाइस करना चाहते हैं कि यदि इस तरह का है पॉइंट तो उसको थोड़ा सा बाल जो है आप अपने बढ़ा के रखें और उसको छुपा लें, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा तो उसमें फिर डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होंगे इसके, और नॉर्मल है सब कुछ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, वेरिकोज वेन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सभी उभरी हुई नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। आपकी नस दिखाई देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिकोज है। हमारे पास भी सेंटर पर कैंडिडेट्स आते हैं, नस उनकी उभरी हुई होती है, बड़ा डर उनको रहता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं अनफिट हो जाऊंगा, इस नस का क्या करूं, ट्रीटमेंट करवा लूं, इसको लेजर करवा लूं इसका, लेकिन उसका एक्चुअल डायग्नोसिस जो है वो डॉपलर टेस्ट से होता है। डॉपलर टेस्ट उनके करवा के यहाँ पर हमारे सेंटर पर भी देखते हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर जो है वो चेक करते हैं उनको कि डॉपलर टेस्ट करवाया, उसमें यदि नॉर्मल है तो कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। और डॉपलर टेस्ट में भी वो वाकई वेरिकोज है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना है, ट्रीटमेंट में भी उसका दाग नहीं रह जाए, सर्जरी का कटमार्क नहीं रह जाए। वरना तो ऐसा भी हुआ है कि एसएससी जीडी 2018 में वेरिकोज वेन के सर्जरी के आधार पर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मेडिकल से आउट कर दिया, 3 महीना घास कटवाने के बाद में उसको घर भेज दिया गया, क्योंकि वेरिकोज की सर्जरी करवा रखी थी, ये खुद कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर लिया वहाँ मेडिकल ऑफिसर के सामने कि मैंने ये सर्जरी करवाई है, वरना वो ये भी कह सकते थे कि ये मुझे कुछ फोड़ा हो गया था या इस तरह का जो है मेरे पैर पर ये निशान है। टैटू ये पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, ऐसा टैटू जो है इसमें बता देता हूँ आपको कि परेशानी हो जाएगी, इसमें धोखा हो जाएगा। तो टैटू यदि आपको है वाकई तो आप उसको देखिए, टैटू को क्लियर करवा लीजिए, टैटू में कोताही नहीं करनी है। टैटू की वजह से एसएससी जीडी 2018 में कितने ही कैंडिडेट्स का वर्दी का सपना टूट गया था, और इस आधार पर भी टूट गया था कि डिटेल मेडिकल में पॉइंट मिल गया, री मेडिकल भी उनका आया, अपील किया था वो एक्सेप्ट हो गया, टैटू का सर्जरी भी करवाया, लेकिन वो सर्जरी इस आधार पर उनको अनफिट कर दिया कि करेक्शन सर्जरी करवाया है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में सर्जरी हुआ, और वो भी नियम अब हटा दिया गया है। अब तो आपका आज डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आप अनफिट हो जाते हैं तो कल आपका री मेडिकल हो जाएगा। CAPF मेडिकल के नियम
चेंज कर दिए गए। ये स्क्विंट देखिए, स्क्विंट प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। कितने ही कैंडिडेट्स जो है वो सेंटर पर हमारे आए, स्क्विंट था वाकई, हमारे आँख के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको स्क्विंट का एक्सरसाइज बताया, फिट हो गए। अब ये जो है फिंगर, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। देखिए ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, इनका एक यहाँ पर जो था फिंगर एक और निकला हुआ था यहाँ पे, उसका सर्जरी इन्होंने करवाया। ये सर्जरी की वजह से ये पॉइंट जो है अनफिट हो गया। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, पहली बार मेडिकल में जाते हैं, पहली बार मेडिकल में जाने वाले जो हमारे साथी हैं वो सिर्फ इस वजह से इसमें अनफिट हो जाते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। देखिए किन कौन कौन से अक्षर में उनको धोखा होता है वो भी बता देता हूँ उनको। एक तो एच और एम में उनको धोखा होता है, वाई को वो लोग वी पढ़ जाते हैं, ये वाई जो है इसको वी पढ़ जाते हैं, वाई और वी में उनको धोखा होता है, ए और वी। अब ये शीशे में नहीं पढ़वाया जाता है, शीशे में तो जब आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आई के किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो आपको 20 फीट की दूरी पर ये आपको लगा के रखते हैं। लेकिन साधारणतः क्या होता है कि एक चैम्बर डॉक्टर का जो है वो छोटा होता है, तो वो शीशे में इसको रखते हैं कि 10 फीट पर आपको आपके ऊपर बिल्कुल शीशा लगा रहता है, आपके जस्ट ऊपर जो चार्ट रहता है और आपके 10 फीट की दूरी पर शीशा रहता है और डॉक्टर चार्ट में देखते हैं, आपको शीशे में पढ़ने के लिए कहा जाता है। मिरर इमेज जो है वो दाएं से बाएं होती है। अब ये जो है ऐसा पॉइंट है कि इसमें आप बच सकते हैं, यदि आप पहले अपनी आंख की जांच करवा लें तो आप बिल्कुल बच सकते हैं। और जो हमारे साथी अभी भर्ती में जाएंगे, यदि आप कंप्लीट मेडिकल का आपको चेकअप का आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आँख एक ऐसा पॉइंट है कि आई चार्ट जो है उसकी आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, वरना तो आपको धोखा हो सकता है। बर्थमार्क था इनको, ये देखिए ये वीडियो जो है एक्चुअली जो है इसमें कुछ प्राइवेट पार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन बिल्कुल मर्यादा में किया है, और सिर्फ ये हमारे मेडिकल के जो साथी हैं उनकी जागरूकता के लिए है, ये उनको जागरूक करने के लिए। अब ये कैंडिडेट जो है इनको पॉइंट्स आए, ये बर्थमार्क है, ये फिट हो गए इसमें। ये देखिए फ्लैट फुट, अब ये फ्लैट फुट नहीं है, इनका आर्क जो है वो ज़्यादा है पैर का। आपका फ्लैट होगा फुट तो भी प्रॉब्लम है आपको, यदि आपका आर्क ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बहनें हमारी अभी इस वीडियो को देख रही हैं वो अब वीडियो को स्टॉप कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है आगे कुछ प्राइवेट पार्ट्स, मेल प्राइवेट पार्ट्स को डिस्कस किया गया है, तो वो माफ़ी चाहेंगे हम उनसे, वो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें, इससे आगे वो वीडियो को ना देखें। ये देखिए टैटू जो है इसको रिमूव नहीं किया, पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया, इसमें कुछ इंक बच गया है, तो ये इसकी वजह आपको बता देता हूँ कि आपकी बॉडी पे यदि छोटा टैटू है तो उसको आप कट लगवा दीजिए, और यदि बड़ा है टैटू तो बड़े टैटू को आप लेजर से ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि छोटे टैटू जैसे ओम बना हुआ है किसी को, तो ओम तो वैसे तो धार्मिक चिन्ह है, ओम तो फिट होना चाहिए, लेकिन ओम में भी अनफिट करते हुए देखा है, किसी का पहला लेटर बना हुआ है नेम का वो भी अनफिट करते हुए देखा है। तो छोटे जो टैटू हैं उनको आप सर्जरी करवाएं, और बड़े टैटू जो है वो उसको आप करवाएं लेजर से, वो कारगर हो सकता है, फिट हो जाएंगे। ये स्कोलियोसिस का पॉइंट बन गया, इसमें अनफिट हो गए, स्कोलियोसिस पॉइंट आप देख सकते हैं। हलॉक्स वाल्गस, ये अंगूठे का जो ऊपर टकने, अंगूठे के पास में जो ये हड्डी होती है ये बाहर निकली हुई होती है, ये अंगूठा अंदर की ओर होता है, तो इसका ट्रीटमेंट ये किया जा रहा है, ये प्रैक्टिस से इसको भी ठीक किया जा सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट इसको ठीक कर देते हैं। टेस्टिस देखिए, लेफ्ट टेस्टिस जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउन होता है, लेफ्ट टेस्टिस आपका डाउन है तो उसके आधार पर सिर्फ लेफ्ट टेस्टिस डाउन होना आप अनफिट नहीं होंगे, लेकिन आपके टेस्टिस में हाइड्रोसिल वेरिकोसिल जैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके दोनों टेस्टिस साइज में सेम होने चाहिए, आपके दोनों टेस्टिस टेस्टिस सेक में होने चाहिए, टेस्टिस एक ही है आपके सैक में तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप किसी सर्जन से कंसल्ट कीजिए। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो उनके टेस्टिस सैक में एक ही टेस्टिस था, जन्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेडिकल में गए तो वहाँ पर पता चला कि एक टेस्टिस है, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में वो टेस्टिस दूसरा जो है बॉडी में ऊपर की तरफ था, सर्जरी हुई, वो टेस्टिस टेस्टिस सैक में लाया गया और उसके बाद वो फिट हो गए।
ये टैटू देखिए, ये टैटू जो रिमूव करवाया है ये बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके से टैटू रिमूव करवाने के लिए कभी हम सलाह नहीं देते हैं। आपके टैटू में आपका टैटू जो है वो देखिए आपकी वर्दी खा सकता है, ये बता देता हूँ। और खा सकता है नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने देखा है कि सिर्फ एक टैटू, छोटा सा टैटू जो था वो उनकी वर्दी खा गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। इसमें दांत में आपको कुछ नज़र आ रहा है, आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल दांत में ये कैंडिडेट पकड़े गए और दांत आर्टिफिशियल दांत की वजह से ये अनफिट हो गए। ये टैटू रिमूव हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा इंक बचा हुआ है, तो एक डॉट बच गया, उसमें भी हमने पॉइंट देते हुए देखा है। फिर बाद में उसको फिर सर्जरी करवाना पड़ा। तो टैटू रिमूव करवाते हैं तो वो जो जहाँ से भी आप टैटू रिमूव करवाते हैं उनको ये बात बताइए कि मैं भर्ती में जाऊंगा और एक डॉट भी नहीं रहना चाहिए। तो छोटा टैटू है तो सर्जरी करवा लो, बड़ा टैटू है तो उसको आप लेजर से करवाएं। ये फ्लैट फुट नहीं है, ये इन्होंने पूछा था कि फ्लैट फुट है, इनको रीमेडिकल मिला था एसएससी जीडी में, फिट हो गए, आर्क पूरा बन रहा है। ये देखिए किसी प्रकार का सर्जिकल कटमार्क जो है बॉडी पर वो नहीं होना चाहिए। ये मार्क जो है ये क्या है, ये इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स का भी आप कह दी कोई ऑपरेशन हुआ है, हार्निया का सर्जरी हुआ है, कुछ भी सर्जरी हुआ है तो उसके पेपर्स आप अपने पास जरूर रखिए, वो पेपर्स आपके काम आएंगे। आपका बचपन में हुआ था, आपके पास में पेपर्स नहीं हैं तो आप उसके लिए पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर उसकी जांच करवा लीजिए। वो जांच के पेपर्स आप साथ ले जा सकते हैं कि मेरा ये सर्जरी हुआ था, मेरे पास में पेपर्स तो नहीं है लेकिन मैंने इसका पूरा डायग्नोसिस करवाया है, पूरा इन्वेस्टिगेशंस है मेरे पास में। तो वो मेडिकल पेपर्स देखकर भी आपका बोर्ड वहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है, आपको फिट कर सकते हैं। वरना तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं उसमें देखिए नॉर्मली पॉइंट मिलता है। कैरिंग एंगल 15 डिग्री तक मान्य है लेकिन 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है यदि आपका एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और 20 डिग्री तक यदि है आपका तो उसको आप एक्सरसाइज करके 15 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये वाकई पॉइंट है। ये क्या है, ये हैमर टो देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये हथौड़े जैसे ये हो गए हैं टो, तो हैमर टो बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, इसको भी एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर देते हैं इसको। वेरिकोज वेन, लेकिन ये वेरिकोज है या नहीं है ये सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा, इसका कलर डॉपलर टेस्ट होगा उससे ही ये पता चलेगा। डिटेल मेडिकल में अब तक का जो हिस्ट्री है वो ये है कि इस तरह की नस दिखाई देती है, उसको मेडिकल ऑफिसर अनफिट कर देते थे, लेकिन अब नए नियम के अनुसार क्या होगा, री मेडिकल में ऐसे फिट हो जाते थे, कलर डॉपलर टेस्ट करवा के ले गए, एसएससी जीडी में बहुत सारे साथी फिट हो गए। अब जो नए रूल्स रेगुलेशंस हैं, पहला जो नए नियम के अनुसार जो मेडिकल होगा वो आईटीबीपी ट्रेड्समैन का ही होगा, तो उसमें क्या होता है देखते हैं। लेकिन आपको यदि वाकई इस तरह का नस है तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप उसका कलर डॉपलर टेस्ट करवा कर लेकर जाएं ताकि वहां पर मेडिकल बोर्ड सेटिस्फाई हो सकते हैं। बर्थमार्क है, फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टैटू रिमूव किया, देखिए पूरी तरीके से रिमूव हो गया, स्किन का कलर चेंज है लेकिन टैटू बहुत ही अच्छा, इनका जो लेजर ट्रीटमेंट जो है बहुत ही अच्छा हुआ है, शानदार लेजर ट्रीटमेंट हुआ है। खर्चा इनका जरूर ज्यादा हुआ है लेकिन ये बिल्कुल फिट है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ये इनका हार्निया का सर्जरी हुआ है, तो ये देखिए कट लगा हुआ है, इस कट को कोशिश करें कि कोई नोमार्क्स वगैरह ऐसा कोई क्रीम मार्केट में हो या किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें कि कोई ऑइंटमेंट कोई क्रीम ऐसा आपको मिल जाए तो आप इस पर अप्लाई करके आप इसको बचा सकते हैं। ये पेनिस पर विटिलिगो है इनको, तो ये इस तरह का जो है इसका वाकई विटिलिगो है तो अनफिट है नियमों के अनुसार, लेकिन फिट होते हुए भी हमने देखे हैं प्राइवेट पार्ट के जो विटिलिगो है, यहाँ तक कि एयरफोर्स जैसा मेडिकल में भी कैंडिडेट जो है वो फिट हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। गाइनेकोमेस्टिया पेक्टस एस्केवेटम, देखिए दोनों पॉइंट इनके बन गए थे। ये गाइनेकोमेस्टिया की जो निप्पल्स है वो किस तरीके से डेवलप हो रखा है, वो महिलाओं की तरह डेवलप हो गया। ये यहाँ पर धंसा हुआ चेस्ट है, तो इनका ट्रीटमेंट एक ही है कि ये सब फिजियोथेरेपिस्ट, पेक्टस एस्केवेटम फिजियोथेरेपिस्ट इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए सर्जरी है और सर्जरी भी बहुत ही बारीक सर्जरी होती है कि ताकि वो डिटेक्ट ना हो। विटिलिगो टैटू, और कोई इलाज नहीं है, टैटू रिमूव करवाना होगा वरना फिट नहीं होगा।
नौकनी, अब नौकनी जो है यहां से देखिए नीट टच हो रहा है, उसके बाद भी कैंडिडेट फिट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गैप जो है वो यहां पर गैप है और यहां पर गैप है। तो आईएमडी किस तरीके से नापा जाता है ये फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक जो स्पेशलिस्ट है वो नाप कर देखते हैं, लेकिन इसमें आप गैप बना सकते हैं, एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है। ये चोट लगा हुआ है, यदि आपको चोट लग के ऐसा विटिलिगो जैसा बना हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, फिट हो जाएगा ये। फिर देखिए पेक्टस एस्केवेटम चेस्ट धंसा हुआ है, मेडिकल में पॉइंट मिल गया, री मेडिकल में स्पेशलिस्ट चेक करेंगे और स्पेशलिस्ट के ओपिनियन पर डिपेंड करेगा कि फिट या अनफिट क्या है। ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है इनको, ये फिट होने के फुल चांस हैं, लेकिन इसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि इसके लिए आप स्किन स्पेशलिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप इससे इसमें फिट हो जाएं। माथे में चोट लगा हुआ है, इसके लिए इन्होंने पूछा है, तो इस तरह का जो चोट है वो नॉर्मली फिट हो जाता है। बहुत बड़ा चोट जो है, हेड इंजरी जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। वेट आपका वेट चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये वेट चार्ट आपके पास नहीं है, आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको वेट चार्ट मिल जाएगा। वेट का पॉइंट एक्चुअली अब तक क्या होता था कि बहुत ही नॉर्मल पॉइंट होता था कि ओवरवेट अंडरवेट है तो आप री मेडिकल में फिट हो जाएंगे। 2 से 3 महीने का समय नॉर्मली मिल जाता था, 4 महीने भी मिल जाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि डिटेल मेडिकल के नेक्स्ट डे ही आपका री मेडिकल होगा। यदि आपका 5 किलो ओवरवेट है तो जाहिर सी बात है एक दिन में तो वो 5 किलो वेट कम नहीं होगा, तो उसको पहले से ही चार्ट के अकॉर्डिंग करके लेके जाएं। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं वो कहते हैं मेरा 18.5 है, 18 से 22 का ये कॉलम है, 23.5 यदि आपका है या 22.5 है, तो यदि आपका 22.5 है तो आप 23 से 27 वाले में चेक कीजिए। 166 की जगह यदि आपका 167 है तो आप 168 वाले में देखिए, इसके अनुसार आप अपना वेट बना कर रखिए, आपको फिट होना है, वर्दी पाना है। तो ये देखिए स्कोलियोसिस का पॉइंट इनका बना था और ये कैंडिडेट जो है वो अनफिट हो गए थे। ये ऐसे बहुत सारे पिक्स हमारे पास में अवेलेबल हैं जो आप लोग हमें सेंड करते हैं। पहचान हम छुपाने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि मेडिकल जो है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका फिजिकल और रिटर्न है, और हम तो ये कहते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकल आपने किया, आपने रिटर्न किया, बहुत अच्छा मेहनत किया, लेकिन छोटा सा एक टैटू का पॉइंट था या ब्लड प्रेशर था या कहें कि आपको कलर विजन जो है वो आप पहली बार कलर विजन का बुक पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर आपको पता नहीं चला कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपकी सारी मेहनत जो है वो पानी हो गई। तो ऐसा काम नहीं हो जाए दोस्तों, पूरी तैयारी रखें, मेडिकल भी उसी हिसाब से तैयारी रखें जैसा कि आप फिजिकल और रिटर्न की तैयारी करते हैं। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।